तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में मैं बातचीत करने जा रहा हूँ पिवट टेबल में कैलकुलेशन। पिवट टेबल की कैलकुलेशन छोटी सी क्लास है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपने अपना पिवट के अंदर कोई डेटा, जैसे मान लीजिए मैं डेटा लेता हूँ पिवट के लिए, और कभी कभी क्या होता है कि हम डेटा में कैलकुलेशन ना करना चाहते, तो वहाँ भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओके किया और हमने मान लीजिए कि नेम बाय हमने टोटल क्वांटिटी ले लिया। अब मुझे यहीं पे देखना है कि किसने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है। पूजा ने 23,686 किया, लेकिन टोटल सेल्स का कैसे, इनका सेल में कितना परसेंट का कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन समझ रहे हैं ना सर। किसी ने अगर 100 सेल किया, 100 का टोटल सेल हुआ, किसी ने 12 सेल किया तो उसका कंट्रीब्यूशन 12% का हुआ। तो मतलब कि टोटल से करेक्ट डिवाइड परसेंटेज। हाँ, तो मैंने क्वांटिटी को एक बार और रखा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, आप वैल्यू वाले फील्ड में किसी भी फील्ड को मल्टीपल टाइम डाल सकते हैं, बाकी फील्ड्स में नहीं, बट वैल्यू में कोई भी फील्ड्स को मल्टीपल टाइम डाल सकते हैं। और मैंने इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ से मैं चला गया। अब देखिए नॉर्मली सम एवरेज काउंट बाइनरी मिक्स सब होता है। सर आपकी आवाज नहीं आई। हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ आ रही है सर। ये सेकंड कॉलम जब लाए आप तब से कैंसिल हो गया। हाँ, मैंने बोला कि यहाँ वैल्यूज के अंदर में आप जो है कोई भी फील्ड को मल्टीपल टाइम्स डाल सकते हैं, ठीक है सर? तो ठीक है सर, आपको सॉरी। हाँ सर ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने दिखेगा वैल्यू फील्ड सेटिंग। इसी में आपका शो वैल्यू है सेकेंड टैब, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट नो कैलकुलेशन होता है। अब इस नो कैलकुलेशन को सेलेक्ट कीजिए, यहीं पे आपको दिख जाएगा कि परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल या ग्रांड टोटल। दिख गया सर? तो यहाँ इसकी कंट्रीब्यूशन निकल गया। तो यहाँ पे आपने देखा है कई सारे थे कि परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, रो टोटल, कॉलम टोटल। तो क्या है मतलब कि रो टोटल, ग्रांड टोटल? तो इसको समझने के लिए आपको मैं एक बार इसको हटाता हूँ और मैं प्रोडक्ट वाइज लेता हूँ। अब देखिए जो कॉलम टोटल है, ये जो ए टोटल कॉलम टोटल कहलाता है, और ए बार जो टोटल है आपका रो टोटल कहलाता है, और ए इसको जो है ग्रांड टोटल कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए आप परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, तो क्या होगा कि जितने भी नंबर्स हैं उसके कॉलम के टोटल से डिवाइड कर दी जाएगी। अगर आपने अगर सेलेक्ट किया रो टोटल, तो इसके रो में जो भी टोटल टोटल है उससे सबको डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपने सेलेक्ट किया ग्रांड टोटल, तो जो ग्रांड टोटल है उससे सबको डिवाइड कर दिया जाएगा। सर कॉलम कॉलम के लिए क्या किया है? कॉलम नीचे जो कॉलम आता है वो देखिए नो कैलकुलेशन करता है। देखिए कॉलम टोटल का मतलब हुआ कि देखिए इसकी जो टोटल क्या है 29,185 है, तो सारे नंबर को 29,185 से डिवाइड होगा। इसकी टोटल है 33,465, तो 33,465 सबको डिवाइड कर दिया जाएगा। ऐसी बाकी कंटिन्यूस सेम, जैसे यहाँ पे अगर रो टोटल सेलेक्ट करते हैं तो 23,686 है, तो 23,686 से बाकी सबको इस रो को डिवाइड कर दिया जाएगा। इस रो को 21,544 से डिवाइड कर दिया जाएगा। ओके सर, हेलो। एक चीज समझ नहीं आ रहा है, ये ग्रैंड टोटल और जो पूजा के बाद कॉलम लेवल सीडी है वो सेम होना चाहिए ना सर? नहीं, ग्रैंड टोटल तो हुआ जिसका सबका टोटल, ये पूरे वैल्यू जो आपको दिख रहा है ना सर, ये पूरे वैल्यू का टोटल, इट मींस ग्रैंड टोटल, ठीक है? अच्छा अच्छा आप बताइए, आप मान लीजिए मेरे को WRT का परसेंटेज निकालना है पूजा के लिए। हाँ, तो WRT का जो परसेंटेज निकालना है वो तो दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें हैं। तो जो ए परसेंटेज किस पे देखना चाहते हैं, कि पूजा की ओवरऑल सेल का देखना चाहते हैं या प्रोडक्ट की ओवरऑल सेल का देखना चाहते हैं या फिर ऑल सेल का देखना चाहते हैं? प्रोडक्ट का तो सर समझ आ गया, वो कॉलम से आ जाएगा। हाँ, तो पूजा की ओवरऑल सेल में आप ये देखना चाहते हैं कि पूजा की ओवरऑल सेल में डब्ल्यू कितना परसेंट सेल का, कितना परसेंट किया है प्रोडक्ट वाइज, कि प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन, ये जो निकला आपका नेम वाइज प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन, बात समझे?
तो ये क्या करेगा कि हर नंबर को 23,86 से डिवाइड करेगा, तो इसका परसेंट पता चल जाएगा कि 23,86 जो पूजा की सेल है उसमें कितना परसेंट डब्ल्यूआरटी का कंट्रीब्यूशन है। कैसे निकलेगा सर वो? उसके लिए आपको रो टोटल परसेंट देना पड़ेगा, सो वैल्यू एज में यहाँ परसेंटेज ऑफ रो टोटल, ठीक है। ओवरऑल सेल में पूजा का 17% WRT का सेल है, रैम का सेल जो है वो 11% है, 19% MB का सेल है। इसको आप अपने हिसाब से खींचेगा तो आपको बेटर समझ में आएगा सर, ठीक है सर? ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आता है, परसेंटेज ऑफ, जब यहाँ प्रोडक्ट हटा देता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे टारगेट के हिसाब से देखना है कितना परसेंट आया, टारगेट के हिसाब से मान लीजिए कि इन सबों का जो टारगेट है वो टारगेट 50,000 टारगेट है मान लीजिए, या फिर 30,000 मान लीजिए टारगेट, तो उसके लिए आपको फिल आइटम कैलकुलेटेड फील्ड में यहाँ पे मैंने दे दिया टारगेट, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ क्वांटिटी का टोटल लिया और डिवाइड बाय 30,000 कर दिया, एंड एंड ओके आ गया सर 70%। क्या सर? बट इसमें परसेंटेज का सिंबल नहीं लगा, आपको अलग से लगाना पड़ेगा। देखिए एक तरीका और, वो तरीका क्या है आपको समझाते हैं। उसके लिए आपको अपने डेटा में जाना होगा, सबसे लास्ट में उसे जहाँ पर नेम है उसकी जगह पे टारगेट ऐड कर दीजिए और अपना टारगेट यहाँ पे क्वांटिटी पे मैंने लिख दिया, लेकिन फिर वापस हमें यहाँ अपने डेटा के सोर्स को रीसेलेक्ट करना, क्योंकि हमने एक नई वैल्यू ऐड की है जो कि इसके सोर्स से बाहर था, क्योंकि पिवट हमारा लगा था 3914 पे, हमने डेटा 3915 पे डाला, तो यहाँ 15 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन ओके। अब यहाँ देखिए टारगेट आएगा, अब मैं टारगेट से बाकी सबको डिवाइड करना चाहता हूँ, तो उस केस में वैल्यू परसेंटेज में यहाँ आप परसेंटेज ऑफ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ नेम में आइए और नेम में आप टारगेट को सिलेक्ट कर दीजिए, इसलिए टारगेट से सबको डिवाइड कर दिया, समझ में आया सर? सौभिक जी यस सर, यस सर। उसी तरह से इनमें और भी कैलकुलेशन है, माफ कीजिए, यहाँ पे वैल्यू फिल सेटिंग में सो वैल्यू एज में और भी कैलकुलेशन यहाँ पे दिख रहा है, जैसे डिफरेंस निकालना है, जैसे पैरेंट टोटल करना है, रनिंग टोटल करना है, क्यूमुलेटिव टोटल करते हैं, परसेंटेज चाहिए, ये सब आप अपने हिसाब से ट्राई करके देखिएगा, जहाँ प्रॉब्लम होगा मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है सर? इसका मेन मोटिव समझ में आ गया ना, कंसेप्ट समझ में आ गया ना सर आपको कि किसका कंसेप्ट क्या है? हेलो, यस सर। चलिए अब अगला टॉपिक पे करते हैं, फील्ड कैलकुलेशन। अब जैसे कि आप डेटा को देखें तो मेरा डेटा में क्या है, क्वांटिटी है और एमआरपी है। अब जो एमआरपी है 856 वो एक प्राइस के लिए, इसका अगर अमाउंट कैलकुलेट किया जाए तो इसको मल्टीप्लाई बाय 856 करना पड़ेगा, ठीक है सर? टेबल एंड अब यहाँ पे हमने नेम रखा, यहाँ पे क्वांटिटी रखा और यहाँ पे एमआरपी रखा। अब वैल्यू फिल सेटिंग में एमआरपी को ऐड, अब मुझे यहाँ अमाउंट बताना है कि टोटल अमाउंट कितना, और मैं डेटा में किसी तरह के छेड़छाड़ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ पिवट के अंदर कैलकुलेशन, तो कैलकुलेटेड फील्ड में आएंगे और यहाँ पे देंगे हम टोटल, और टोटल पे यहाँ हम जो देंगे वो देंगे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, ऐड किया, आ गया सर। मुझे इसका जीएसटी चाहिए, मुझे जीएसटी निकालना है, तो अगेन कैलकुलेटर फील्ड यहाँ देंगे जीएसटी और यहाँ हम करेंगे टोटल का 18%,
आ गया। फिर मुझे इन दोनों का आपस टोटल करना है, तो वापस हम यहाँ ग्रांड जी टोटल, ग्रांड टोटल कर देते हैं, और ग्रांड टोटल में हमने यहाँ पे टोटल प्लस जीएसटी, यहाँ पे किसी तरह का कैलकुलेशन, और मैं राउंड में जाता हूँ तो मैं यहाँ पे राउंड का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो एक्सेल वर्कशीट फॉर्मूला भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका रिजल्ट नंबर आ रहा है, जिसका रिजल्ट टेक्स्ट आ रहा है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये थी हमारी कैलकुलेशन का टॉपिक।